मध्य प्रदेश में मानसून का दौर पूरे जोर शोर से चल रहा है। लगातार हो रही बारिश के कारण भोपाल स्थित कोलार डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कई जिलों में बाढ़ और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। आज के मौसम की ताज़ा जानकारी के लिए बने रहें, क्योंकि यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके इलाके में क्या होने वाला है। 3 दिन की लगातार बारिश के बाद भोपाल के कोलार डैम के 8 में से 2 गेट खोल दिए गए हैं। डैम का गेट खुलने के बाद वहां का नज़ारा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। खूबसूरत दृश्य और तेज बहती जलधारा ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, ग्वालियर, सागर, जबलपुर, श्योपुर कलां, शिवपुरी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, हरदा, छिंदवाड़ा, सिवनी और मंडला में भारी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के 8 स्थानों में बाढ़ का अलर्ट भी जारी किया गया है। सोमवार को प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिजली गिरने का भी खतरा है। डॉट मौसम वैज्ञानिक अभिषेक कुमार की माने तो टीकमगढ़, छतरपुर, अशोकनगर, पश्चिम शाजापुर, आगर, दक्षिण राजगढ़, उज्जैन, झाबुआ, रतलाम, ढोलावाड़, धार और मांडू में बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा खजुराहो, दक्षिण शिवपुरी, दक्षिणी गुना, मंदसौर, नीमच, उत्तरी राजगढ़, पूर्वी शाजापुर, विदिशा, निवाड़ी, उत्तरी शिवपुरी, उत्तरी गुना, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम में बिजली के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं सिवनी, हरदा, भोपाल, बैरागढ़, सीहोर, रायसेन, दमोह, सागर, पन्ना और कटनी में बिजली के साथ हल्की बारिश की संभावना है। रविवार को भी प्रदेश में लगातार बारिश जारी रही। अधिकांश जिलों में बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री पहुंचा। बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है और कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन गई है। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।